जो हम विभिन्न विकास के प्रोजेक्ट स्वीकृत करते हैं उसके बाद उनको बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक पहलू फॉरेस्ट क्लियरेंस का होता है। कोई भी प्रोजेक्ट हम बजट प्रोविजन कर लें, टेंडर की प्रोसेस भी कर लें, लेकिन उसके बावजूद फॉरेस्ट की जो क्लियरेंसेस जब तक फाइनल नहीं हो पाती है सरकारी ज़मीन पर, तब तक के लिए उस प्रोजेक्ट में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं कि एक परिस्थिति हिमाचल में ऐसी निर्मित हुई पिछले कुछ अरसे से, जबकि जो बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हमारे हिमाचल प्रदेश में बजट प्रोविजन होने के बावजूद और सरकार की उन प्रोजेक्ट्स को तेज गति से आगे बढ़ाने की मंशा होने के बावजूद उन प्रोजेक्ट्स में विलंब का कारण फॉरेस्ट क्लीयरेंसेस रहा है, क्योंकि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये फॉरेस्ट क्लीयरेंस के जो प्रोसेस है, चाहे वो FCA का है चाहे वो FRA का है, उन दोनों विषय में अपनी बात कह करके सुप्रीम कोर्ट से इस परिस्थिति में सफल हुए कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनकी फॉरेस्ट क्लीयरेंसेस, चाहे वो FCA की है चाहे FRA की है, वो सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद ही होंगी। कोई भी प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में शुरू किया जाएगा उस सूरत में ही शुरू होगा जब उसकी फॉरेस्ट क्लीयरेंस सुप्रीम कोर्ट से क्लियर होगी। मार्च 2019 के बाद FCA FRA की स्वीकृतियाँ जो है हमको हिमाचल प्रदेश को प्राप्त नहीं हो पा रही थी, और उसकी वजह ये थी कि एक तो कोविड का इम्पैक्ट आया, कोर्ट नहीं बैठा, और उसके बाद कोर्ट ने जब वर्चुअली काम करना शुरू किया तो उस परिस्थिति में जिस प्रकार से हमको सुप्रीम के कोर्ट के सामने अपनी बात रखने का जो अवसर वो प्राप्त नहीं हो पा रहा था, नहीं मिल पा रहा था, ऐसी परिस्थिति में अभी पिछले कुछ दिन में सारे विषय को लेकर के केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मिला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी, और हमारे भारत के सॉलिसिटर जनरल उनसे भी मेरा मिलना हुआ, और उनको हमने सॉलिसिटर जनरल को हमने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से इस मामले को, फॉरेस्ट की क्लीयरेंसेस के जो मामले हैं उन मामलों को पैरवी करने के लिए अधिकृत रूप से सरकार से अनुमति दी। बहुत लंबी मीटिंग होने के बाद, डिटेल में डिस्कशन होने के बाद मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी 605 परियोजनाएं जो FCA और FRA के लिए लंबी थी उन पर बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ, बहस हुई, और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इन 605 परियोजनाओं के लिए FCA और FRA की स्वीकृतियां प्राप्त की है। और मैं इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि हमने इस बात को बहुत प्रमुखता से रखा
कि ऐसे में हम विकास करेंगे कैसे, हमारे हाइडल प्रोजेक्ट्स के काम रुके पड़े हैं, सड़कों के काम रुके पड़े हैं, हॉस्पिटल के बिल्डिंग्स, स्कूल की बिल्डिंग्स, और उसके साथ साथ में जो डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक हैं, एक नहीं अनेकों प्रोजेक्ट इस प्रकार से रुके हैं। और अभी जो 138 परियोजनाओं की जो एफसीए की, मैं एफसीए का ही जिक्र कर रहा हूँ, एफआरए अलग चीज़ है, उसके तहत जो स्वीकृतियाँ प्राप्त हुई है उसके ही अंतर्गत जो है वो जो प्रोजेक्ट जो शुरू होंगे वो प्रोजेक्ट 2000 करोड़ रुपए के हैं, 2000 करोड़ रुपीज के हैं। और आप कल्पना करिए कि इसमें अनेक प्रमुख डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हमारे हैं जिसमें से 1337 करोड़ रुपए का जो ग्रीन कॉरिडोर नेशनल हाईवे सिरमौर का है, सारी चीजें तैयार हैं, लेकिन एफसीए की क्लियरेंस ना होने की वजह से 1337 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट जो है हमारा आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और उसी प्रकार से डबल लेन नेशनल हाईवे धर्मशाला का जो है वो 61.41 करोड़, 61.41 करोड़ रुपीज का। और इसी तरह से 66 केवी लाइन सैंज सबस्टेशन लास्टा धार 56.36 करोड़, ये भी उसमें शामिल है। और उसी तरह से 33/11 के बी सबस्टेशन नदौन का, जिसका जो है वो अपग्रेडेशन होनी थी 12.5 करोड़ रुपए का वो। और इसी प्रकार से आगे बढ़ करके 2 MV सोलर PV काजा स्थापित करने की का जो है हमारा 19.31 करोड़ रुपए का, ये भी स्वीकृत हुआ। 33 KV सबस्टेशन मनाली का 6.74 करोड़ रुपए का, वो भी स्वीकृत इसमें हुआ। 66 KV निर्मल से कोटला सबस्टेशन तक, उसमें भी 31.74 करोड़ रुपए का, ये भी उसमें स्वीकृत। में कुछ मेजर प्रोजेक्ट का जिक्र कर रहा हूँ, 11.97 करोड़ रुपए का कुर्थला बथार से मजरा के लिए 132 KV सबस्टेशन, यानी कि बहुत इतना ट्रांसमिशन लाइन का ये। अब अंदाजा लगाइए कि हमारा सारा का सारा काम इतना जो है वो प्रोजेक्ट का, इतने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट का पड़ा था। और उसी प्रकार से एक 220/132/33 KV सबस्टेशन काला अम 66.47 करोड़ रुपए का, 120 KV देहा से हमीरपुर ट्रांसमिशन लाइन 119.58 करोड़ रुपए का। और इसी प्रकार से 66/220 KV सबस्टेशन हीलिंग लाहौर 108.58 करोड़ रुपए का। और इसी प्रकार से हमारा धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट 40.80 करोड़ रुपए। और इसी तरह से आगे बढ़ करके शिक्षा विभाग के जो विभिन्न परियोजनाएं जो लंबित पड़ी थी स्वीकृति के लिए 143 करोड़ रुपीज। और इसमें हमारा मंडी का बहुत चर्चित जो, जिस पर हमने बहुत कई बार बात की, हम एक साल पहले दो साल पहले इस काम को कर सकते थे लेकिन फॉरेस्ट की क्लियरेंस नहीं मिली, जो टूरिज्म का एक मेजर प्रोजेक्ट है हमारा है शिवधाम, उसकी स्वीकृति भी इस दौरान हमको हासिल हुई है। और इसके अतिरिक्त जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 465 परियोजनाओं को एफआरए स्वीकृतियां भी प्रदान की गई 465, इनमें से 334 सड़कें हैं, 53 स्कूल्स हैं। अब देखिए स्कूल के भी प्रोजेक्ट हमारे जो है वो पेंडिंग थे, 18 पेयजल परियोजना है,
और 10 जो है वो सामुदायिक केंद्र शामिल है। कुल मिलाकर के मैं बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमारी जो भी जमीन हमारे पास सरकार की उपलब्ध है वो फॉरेस्ट लैंड के नाते उस डेफिनेशन में आती है, और उस दृष्टि से हमको जो भी प्रोजेक्ट बनाना होता है, जमीन पर बनाना होता है, चाहे हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, चाहे हमको ट्रांसमिशन लाइन बनानी है, चाहे हमको कोई टूरिज्म का प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस की जो आवश्यकता रहती है, उस आवश्यक परमिशन को, उसकी स्वीकृति को जब सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर अपने हाथ में, उसका मॉनिटर करने का मैकेनिज्म अपने हाथ में लिया, और वहीं से ही उसमें परमिशन मिलेगी, और उस कारण से जो है हमारे ये प्रोजेक्ट जो है वो जिस गति से हम आगे बढ़ाने थे उस तरह से बढ़ाने में हमको थोड़ी कठिनाई है, लेकिन उसके बावजूद मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ कि आखिरकार उन्होंने प्रदेश सरकार की बात को सुना, समझा और उस पर अपना आदेश दिया, और मैं इस निर्णय का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज हमारे जो हिमाचल प्रदेश के जो बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो वर्षों से लंबित जो है इंतज़ार कर रहे थे फॉरेस्ट क्लियरेंस का, FRA का, तो वो 605 टोटल प्रोजेक्ट जो है वो हमको स्वीकृत हुए हैं। ये जानकारी की रजिस्ट्री से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी हृदय से आभार करना चाहूँगा, हिमाचल के प्रोजेक्ट को इस प्रकार से आगे तेज गति से बढ़ाने के लिए इस प्रकार से उन्होंने सॉलिसिटर जनरल को कहा। आदरणीय अमित शाह जी ने भी सॉलिसिटर जनरल से बात की और उन्होंने कहा कि सारे विषय को लेकर के स्टेट के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को हमको प्रभावित नहीं होना, विलंब नहीं होने देना चाहिए, उसमें जो भी मदद सरकार की ओर से की जा सकती है वो मदद हमको करनी चाहिए। तो मुझे सिर्फ इतनी बात कहनी थी इससे संबंधित, और जो मैंने आपके सामने कुछ फैक्ट्स आपने रखे हिमाचल प्रदेश के डेवलपमेंट के इन प्रोजेक्ट के सिलसिले। सर, FCA की तो आपने 2000 करोड़ के आसपास लागत के प्रोजेक्ट बताए, हाँ। जो 465 FRA के मोटे तौर पर इनकी लागत कितनी, एक मिनट, लागत के लिए इसको हमको उस तरह से हमने कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन अभी टोटल जो है अभी जो मैंने सिर्फ FCA का ही जिक्र किया वो 2000 करोड़ रुपए की, और ये बड़ा अमाउंट बनेगा इसकी कैलकुलेशन में बहुत लंबा, क्योंकि 600 सारी चीज़ें हैं ना, ये लंबा होने की वजह से इस कारण से हमको जो है FRA की जो है 465 परियोजना है ये, तो 465 का कैलकुलेशन इस तरह से नहीं किया, लेकिन अगर इसको करना होगा तो वो भी हम करके आपको बाद में दे देंगे। सर, इन परियोजनाओं के कार्य आगे किए जा रहे हैं उनको टाइम बाउंड मैनर में आपको निश्चित रूप से, अब इसके बाद जो है अब अगला जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसमें ऐसे जिसमें टेंडर की प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुकी है, और टेंडर की प्रोसेस में यही सब्जेक्ट टू द कंडीशन हमने ये करके कि फॉरेस्ट क्लियरेंस जब इसकी सुप्रीम कोर्ट से हमको उपलब्ध होगी उसके बाद हम इसको इसका काम शुरू करेंगे। बहुत जगह जो है टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई है, कई जगह कंप्लीट है, कई जगह जो है शुरू होनी है, उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी से ये काम शुरू हो जाना चाहिए, और अधिकारियों को भी हमने कहा, आज हमने चीफ सेक्रेटरी से भी इस बारे में बात की कि तुरंत जो भी प्रोजेक्ट फॉरेस्ट क्लियरेंस के बाद जो हमारे इम्पोर्टेंट के जो स्टेट की इम्पोर्टेंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको तेज गति से पूरा करने की दृष्टि से काम। सर, ये जो पिछले प्रोजेक्ट की आपको क्लियरेंस मिली है, जो अब भविष्य में जो आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उनकी FCA जल्दी, अब हम सुप्रीम कोर्ट को मैं समझता हूँ कि काफी हद तक इस बात को कन्विंस करने में सफल हुए हैं कि डेवलपमेंट की प्रक्रिया पूरे देश भर में एक जैसी चलनी चाहिए, हिमाचल प्रदेश में ही क्यों इस प्रकार से FCA और FRA की क्लियरेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट में आना पड़े, और ऐसी परिस्थिति नहीं है। हिमाचल प्रदेश में लगातार फॉरेस्ट कवर भी बढ़ा है, और फॉरेस्ट की जो प्रॉपर्टी को हिमाचल प्रदेश में काफ़ी अर्से से जो है उसको जो है वो और ज़्यादा जो है वो बेहतर तरीके से उसकी प्रोटेक्शन करने में सरकार ने अपनी भूमिका निभाई है, उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को उसी तरह से डील किया जाए। अगला हमारा टारगेट ये रहेगा, लक्ष्य ये रहेगा कि बाकी स्वीकृतियों के लिए भी आने वाले समय में जो है जब तक सुप्रीम कोर्ट हमको क्लियरेंस नहीं देता तब तक ही तो हमको सुप्रीम कोर्ट से हमको वो क्लियरेंसेस लेनी पड़ेगी, लेकिन हमारा पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने अब आने वाले समय के लिए यही रहेगा कि जैसे बाकी स्टेट को पूरे देश भर में
फॉरेस्ट क्लियरेंस का जो मैकेनिज्म है, सिस्टम है, जो रीजनल ऑफिस उनके होते हैं वहीं से क्लियरेंस मिल जाती है, और जैसे ही जो है प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट के हिसाब से प्रोजेक्ट में लैंड का वॉल्यूम कितना आता है, फॉरेस्ट का वॉल्यूम कितना आता है, वो सारी चीज़ को लेकर के उसका उसके हिसाब से होता है। तो इस तरह की हमको इजाज़त सुप्रीम कोर्ट से ना मिलने की नौबत ना आए और सीधे हम अपने स्तर पर इसको कर सकें, ऐसी परिस्थिति के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं। थोड़ी लागत भी बढ़ गई, कॉस्ट एस्केलेशन का इम्पैक्ट तो आता ही है। फंड्स की क्या स्थिति सर इसके लिए, फंड्स हमारे पास सफिशिएंट है? बहुत सारे जो इनमें मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें जो है फंड्स अवेलेबल हैं, कुछ पोर्शन और कुछ जगह फंड्स अवेलेबल करवाएंगे, लेकिन ये स्टेट इम्पोर्टेंस के हमारे जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं। सर आपने रीजनल ऑफिसर की ऑफिस की बात की कि ये होना चाहिए, तो हमारे शिमला के लिए प्रस्तावित है, तो कब तक उम्मीद करें कि ये? देखिए हमने बहुत केंद्र सरकार के समक्ष अपना ये प्रस्ताव रखा कि हमको, एक तो हमने पक्ष यही रखा था कि हमको देहरादून उल्टा पड़ता है, ये हमको ये सुविधा हमको हिमाचल प्रदेश में ही शिमला में उपलब्ध करवाएं, और केंद्र सरकार ने सिद्धांत रूप से इसको मान करके स्वीकृति प्रदान की भी है। और हमने दूसरा पक्ष ये भी रखा था, इफेक्ट ऑल अगर आप देहरादून से इसको ये नहीं कर रहे तो आपको चंडीगढ़ के साथ कर लो, तो चंडीगढ़ के साथ करने क्योंकि हमको वो कन्वीनियंट रहता उस हिसाब से। तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार ने हमको हिमाचल प्रदेश के लिए हिमाचल में ही शिमला में जो है वो रीजनल ऑफिस खोलने के लिए जो अपना जो है वो अधिकार यहाँ से अधिकृत रूप से जो है यहीं से हम क्लियरेंसेज ले सकते हैं आने वाले समय में। कुछ टेक्निकल इश्यूज उसमें रहते हैं इस पूरा उसको फंक्शनल करने के लिए, उनको फंक्शनल करने के लिए जो भी चीज़ें करने की होंगी तो बहुत जल्दी मैं उम्मीद करूँगा कि वो भी पूर्ण होने के बाद आगे की प्रक्रिया यहीं पर शुरू हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या